नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रेन ऑपरेशन सेफ्टी के टॉपिक पर विवरण से जानकारी लेंगे। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम देखेंगे कि क्रेन के प्रकार, क्रेन से जुड़े खतरे, क्रेन से होने वाले दुर्घटना के मुख्य कारण और उसके कंट्रोल मेजर्स। क्रेन एक ऐसा यंत्र है जिसमें हॉइस्ट रोप, वायर रोप, पुली लगा होता है और मटेरियल को ऊपर उठाने या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। बांधकाम क्षेत्र में बहुत प्रकार के क्रेन हैं, जैसे कि मोबाइल क्रेन्स, व्हीकल माउंटेड क्रेन्स, रफ टेरेन क्रेन्स, ऑल टेरेन क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, रेल रोड क्रेन्स। क्रेन से मटेरियल उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चेन स्लिंग, वायर रोप, मेटल मेश, सिंथेटिक वेब स्लिंग्स। क्रेन का उपयोग करते समय बहुत सारे दुर्घटना होने के चांसेस है। उसमें से प्रमुख कारण ये है कि क्रेन बकलिंग और कोलैप्सिंग। मैकेनिकल फेलियर, अगर क्रेन के अंदर का कोई हिस्सा या मशीन खराब हो जाता है तो मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। अगला कारण है कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल लाइन। अगर क्रेन चलते समय क्रेन बिजली के तारों से संपर्क में आ जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ क्रेन, अगर क्रेन का मेंटेनेंस सही समय पर नहीं किया जाए तो भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, अगर क्रेन चलाते समय क्रेन के ऑपरेटर और सिग्नलमैन के बीच सही तालमेल ना रहे तो भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। डैमेज्ड टूल्स एंड टैकल्स, लोड उठाते समय जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है, जैसे कि वायर रोप, चेन, बेल्ट, हुक, डी शैकल्स, अगर खराब या डैमेज है तो भी दुर्घटना हो सकती है। अभी हम देखेंगे कि क्रेन इस्तेमाल करते समय क्या क्या खतरे होते हैं। एक, फॉलिंग लोड। जो लोड क्रेन से बांधा गया है अगर वो सही तरीके से ना बांधा हो तो वो डिसबैलेंस हो सकता है और वो ऊपर से नीचे गिरने के वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दो, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। ऐसा देखा गया है कि 50% क्रेन से जुड़े हुए दुर्घटनाएं इलेक्ट्रिकल वायर से संपर्क में आने के वजह से ही हुए हैं। तीन, क्रेन ओवरलोड। क्रेन के क्षमता से अधिक लोड उठाने के वजह से क्रेन का ढांचा टूट सकता है, इसीलिए क्रेन के क्षमता से अधिक लोड नहीं उठाना चाहिए। चौथा, टॉपलिंग ऑफ क्रेन। क्रेन जिस जगह पर खड़ी है अगर वो जमीन अस्थिर या लेवल्ड नहीं हो तो भी दुर्घटना हो सकती है। पुअर कम्युनिकेशन एंड पुअर विजिबिलिटी। क्रेन के ऑपरेटर और सिग्नलमैन के बीच अगर सही से तालमेल ना हो और उठाया गया लोड क्रेन ऑपरेटर को सही से दिखाई ना दे रहा हो तो भी दुर्घटना हो सकती है। हाई विंड स्पीड, अगर तेज हवा के बहाव में क्रेन चलाया जा रहा है तो उठाया गया लोड डिसबैलेंस होकर ऊपर से नीचे गिर सकता है और उससे भी दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रेन के प्रति होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए कई सारे उपाय हैं और उनके बारे में हम विवरण से जानेंगे। एक, सेलेक्ट राइट क्रेन फॉर द जॉब। काम शुरू करने से पहले किस प्रकार की क्रेन की ज़रूरत है और उसकी सिलेक्शन और प्लानिंग करनी चाहिए। दो, यूटिलाइज क्वालिफाइड पर्सनल। सभी कर्मचारी जैसे कि क्रेन ऑपरेटर, रिगर, सिग्नलमैन ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। तीन, रीड ऑपरेटर मैनुअल। कार्य पर मौजूद सभी कर्मचारियों को ऑपरेटर मैनुअल पढ़ना और उसका जानकारी लेना महत्वपूर्ण है और क्रेन के लोड कैपेसिटी, सेफ्टी मैकेनिज्म, स्टेबिलाइजर्स एंड काउंटर वेट्स, ऑपरेटर कंट्रोल के बारे में जानकारी लेना उचित है। काम शुरू करने से पहले ऑपरेटर को क्रेन का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जैसे कि प्री स्टार्ट चेक, इंजन स्टार्टअप चेक, सेफ्टी सिस्टम चेक। केयरफुली स्टेबिलाइज क्रेन बिफोर रिगिंग। क्रेन को स्थापित करने से पहले यह चीज़ें ध्यान में रखें कि मैन्युफैक्चर गाइडलाइन के प्रति उसके आउटरिगर्स को एक्सटेंड करना चाहिए। आउटरिगर पैड या क्रेन पैड का इस्तेमाल करें। आउटरिगर को अस्थिर ज़मीन
या गीले ज़मीन पर ना रखें। रिग द लोड करेक्टली। रिगर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोड को सही तरीके से बांधा गया है और वो लोड सिक्योर है। अंडरस्टैंड लोड रेडियस। लोड रेडियस के बारे में समझना और उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे क्रेन का उल्टा होना या कोई और दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। क्रेन में अनेक प्रकार के लिमिट स्विचेस लगे होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर, लोड रेडियस इंडिकेटर, मोशन लिमिट डिवाइस, ओवरलोड कटआउट डिवाइसेस, लेवल इंडिकेटर, एनीमोमीटर। ये सभी लिमिट स्विच और बाकी के सेफ्टी डिवाइसेस की नियमित जांच होनी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड हैंड सिग्नल। क्रेन ऑपरेटर से किए जाने वाले हैंड सिग्नल की नियमावली बनी हुई है। सिग्नल मैन को यह सभी सिग्नल की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रेन ऑपरेटर सिग्नल मैन के इशारों पर ही अपना काम करता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन्ड। लोड चार्ट्स, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, क्रेन सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड सिग्नल मैन, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेटर, सिग्नल मैन एंड रिगर्स। किसी भी प्रकार का लिफ्टिंग कार्य करने से पहले लिफ्टिंग परमिट विथ लिफ्टिंग प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है।